सैडल बैग है लगेज के लिए, एक टैंक बैग लगा दिया है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ राइडर पे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को सलाम। आई होप आप सभी भी मस्त होंगे, अच्छे होंगे और घूमते रहते होंगे। जी हाँ, सुबह के बज गए हैं कुछ तकरीबन 4:30 और कुछ प्लान हो रहा है, कुछ कहीं घुमक्कड़ तो कहीं घूमने का प्लान हो रहा है। देखते हैं, निकलते हैं। और ये कुछ ये भी थोड़ा प्लान सडनली बना है, तो ये क्या कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो आपको आगे मोटो ब्लॉग पे बताएंगे या आके कहीं रुक के आपको बताएंगे। अभी सुबह के बजे 4:30, हमको 5 बजे का टाइम है निकलने के लिए। यहाँ से निकलते हैं 5 बजे और सामान ज़्यादा है ये बार, और सैडल बैग वगैरह हमने लगाया, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, सेफ्टी शू, थोड़ा प्रॉपर राइड कर रहे हैं। थोड़ी लॉन्ग राइड होगी शायद, ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग राइड होगी जो मैं नॉर्मली, मैंने कुछ 300-400 किलोमीटर पर डे चलाया है, बट ये उससे ज़्यादा हो सकती है। फ़िलहाल कुछ बोल नहीं सकते इस पर, देखते हैं आगे क्या होता है और आपको भी अपडेट करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। ये है दोनों सैडल बैग, ये एक बैकपैक लिया, ये एक्स्ट्रा हो गया अभी, चलो जान दो। खाने पीने का सब सामान है, टैंक बैग है, दो हेलमेट है, हेलमेट कैमरा माउंट कर लिया है, रेडी टू गो। कई सही प्लेस पे आपको पूरा बाइक बताएंगे कि विथ माउंट कैसी लग रही है। और हाँ, ये निकाल हो गया पूरा विथ सेफ्टी, अब निकल रहे, चलो मिलते हैं बाइक पे। ऑल सेट, चलो गणपति बप्पा मोरिया, जय बजरंग बली, कृपा बड़ा जो रक्षा कर दादा, जय श्री राम। दुर्गाड़ी किले के आगे से कल्याण नाके से अपने को लेना है लेफ्ट टुवर्ड भिवंडी रोड, राइट साइड जा रहा है टुवर्ड्स कल्याण, अपने को लेना है लेफ्ट टुवर्ड्स भिवंडी रोड, खराब है ये। अपन आ गए पाइपलाइन, भिवंडी पाइपलाइन, ये लेफ्ट साइड अपने को थाने जाता है और राइट साइड वो नासिक के लिए, जब सीधा जा रहा है भिवंडी और हम लोग निकल रहे हैं अब भिवंडी के लिए। यार बहुत बकवास रोड था, डोंबली से कल्याण, कल्याण से भिवंडी और भिवंडी से ये मेन हाईवे तक अहमदाबाद 485 मनोर 43, अपने को अहमदाबाद हाईवे की उधर जाना है, राइट मारना है आगे से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं नेशनल हाईवे, यहाँ से बीच से निकले थे भिवंडी की ओर, वो रास्ता पूरा जा रहा है मुंबई थाने की ओर और अपने को जाना है इधर वापसी अहमदाबाद हाईवे पे। बाइक रेडी है, बाइक को मैं आपको बैक कैमरे से बता देता हूँ। थोड़ा आराम फिर निकलते हैं। नज़ारे नेशनल हाईवे के, रोड के अलावा कुछ खास मिलेगा नहीं, अगर कुछ मिले तो बताएंगे, अदरवाइज सीधा मिलते हैं वापी। जय सूर्य देवता, ठंडी 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 लग रही है भाई, 51 किलोमीटर इज वापी नाउ फ्रॉम हियर, 2 घंटा लगेगा, ठंडी जोरों पे है, लेट्स सी आगे कैसा होता है मेरे भाई। फर्स्ट टोल कौन सा है, ये कौन सा टोल है, IRB का फर्स्ट टोल। यार ये बाइक वालों के लिए भी जगह नहीं है क्या, हमें हाँ ना, क्या बोलने का। मनोर विलेज है ये, 5वें घर पे गाड़ी डाली और कंटिन्यूसली चल रही है,
थोड़ी स्पीड कम ज़्यादा करनी पड़ती है ओवरटेक के टाइम, बाकी नॉन स्टॉप जा रही है, तो कुछ खास आएगा नज़ारे तो बताएंगे। रुको, दोस्तों एक टी ब्रेक के लिए रुक गए थे नेशनल हाईवे पे, वापसी से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है अभी, 80 किलोमीटर और है और 1.5 घंटा और लगने वाला है, तो ठंडी बहुत थी और एक चाय पी लिया मस्त। मैडम रेडी हो रही है, हाँ उसने भी सब पहन लिया है, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, ग्लव्स, हेलमेट, गाड़ी भी अपने टकाटक रेडी हो चुकी है अभी, तो बस अब निकलते हैं, थोड़ा सूरज भगवान के दर्शन भी करने थे, थोड़ी धूप मिल गई, एनर्जी मिल गई, एनर्जी फुल ऑन है, टेंशन नहीं है, बट हाँ ठंडी ने थोड़ी लगा रखी थी, तो मिलते हैं आगे वापी में। टोल क्रमांक 2, वाह 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 वाह, क्या नजारा मिला है, वापी 13 किलोमीटर और सूरत 133। तो अपन भाई गुजरात में छे, गुजरात में ये हालो, आई थिंक रिच वापी वापी वापी। क्या करना है अब, खोल लो एक और टोल आफ्टर वापी। जी हाँ, ओहो सही है यार, वो तो निकल गया यार, महाराष्ट्र में तो एक समझ में आता है लेफ्ट साइड में बाइक निकलने के लिए जगह रहती है यार, ये गुजरात बिजरात में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सीन चल रहा है, नॉट श्योर क्या है इनका। चलो देखते हैं आगे। एक पेट्रोल पंप पे रुके, वहाँ पे लंच वगैरह किया, फिर से पैकअप हो रहा है, लंच हो गया, अब देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, अपडेट करके रहेंगे। इस पेट्रोल पंप पे खाना खा लिया, निकलते अभी। भैया थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अच्छा था, अलाउ किया इन्होंने, टॉयलेट पे लॉक था बट इन्होंने टॉयलेट हमको यूज़ करने के लिए की दिया। सूरत 79 आई हो, बस अभी लग रहा है कि शायद 70-80 तक खींच लेंगे गाड़ी। घर से 206 किलोमीटर चला के हो गया है, 80 के अराउंड सूरत है, प्लानिंग तो है कि नेक्स्ट हॉल डायरेक्ट सूरत में लेंगे, बट अपन क्या प्रेशर वाला काम नहीं करते, अगर थकान लगा, कंफर्टेबल नहीं है सीटिंग के लिए, रुक जाते हैं। राइडर देखो उनकी गाड़ी कितनी जाती है, मेरी अभी 60 पे है, उनकी 70-80 रहेगी। मिलता है कोई अच्छे लोकेशन पे, अदरवाइज़ क्योंकि ये पूरा वीडियो तो एक रोड ही है, कोई पर्टिकुलर प्लेस पे विजिट नहीं है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ये वगैरह है। अहमदाबाद 320 किलोमीटर यहाँ से, नॉन
गेटिंग कंफ्यूज कि नाइट होल्ड कहाँ पे करूँ, डायरेक्ट वडोदरा करूँ या आगे करूँ जहाँ पे मैंने प्लान करके रखा है। नॉट श्योर, क्योंकि ये जर्नी एक्चुअली डिसाइड ही नहीं थी कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे जाना है। तो जब तक है एनर्जी तब तक खींचेंगे गाड़ी को, और जब थक जाएंगे तो वहाँ पे होल्ड कर देंगे। यार ये गुजरात में भी यही बहुत बड़ा इशू है कि रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं, देखते नहीं। अभी तो एक जन तो टूटे टूटे रह गया। मैं जा रहा था सामने से इधर आने के लिए रास्ता था, उसने स्पीड था, फिर भी उसने भाई गाड़ी पहले घुमा दिया। रिक्शा था यहाँ से यहाँ तक। ये देखो जैसे कार वाला रेडी है भाई, नहीं समझ में आता इनका थोड़ा सिस्टम अलग है। हाईवे का तो क्या नज़ारा दिखा, यही है सब, गाड़ियाँ भाग रही है। 2 बज गए दोपहर के, 11th of November। छुट्टी का है इशू, अगर छुट्टी मिल गया तो शायद और किधर घूम लूँगा। अगर डाल के रखा है, अगर वो अप्रूव नहीं होता है तो मुझे शायद कुछ पर्टिकुलर प्लेस से ही रिटर्न आना पड़ेगा। अहमदाबाद यहाँ से 234, फिलहाल वहाँ का तो कोई मेरा प्लान नहीं है। लेट्स सी क्या होगा, आपको पता चली जाएगा। वैसे भी थोड़ा रोड का नज़ारा बंद कर दें, कुछ अच्छा कुछ आया तो आपको दिखाएंगे। या 300 किलोमीटर क्रॉस। पोनाली, यार पोनाली आए क्या अभी क्यों यार, हमारे इंदौर है वागड़ में पोनाली, भरूच 23 किलोमीटर, पोनाली आए अभी क्यों भाई। ओ तो गांव पास है अपने, विक्रमा थोड़ा था देश में जाइए फरी हवा। भरूच का ही टोल नाका है भरूच ब्रिज के लिए। ये ब्रिज बहुत बहुत हैवी ट्रैफिक वाला हुआ करता था। मतलब याद है जब बस से मैं गया था, बहुत बात जाता था, अभी तो फर्स्ट टाइम बाइक लेके निकल रहा हूँ ये रोड से, तो घंटों लग जाते थे यहाँ पे घंटों। 3 घंटा 4 घंटा कभी कभी ऐसे गाड़ी फंसा रहता था, बहुत गंदा हालत रहता था बहुत। पानी चिक्की। यार ये कार वाला क्यों नहीं रुका, सेटिंग है क्या। वेलकम टू नर्मदा, जय मां नर्मदा, नर्मदे हरा, माता जी के दर्शन हो जाएंगे आई थिंक सो। रात को मस्त लाइटिंग होती है ये ब्रिज पे, एक नंबर व्यू रहता है, एक नंबर। एक यार ब्रिज एक नंबर, शायद पहले वो जूना था पता नहीं, दोनों आने जाने का गाड़ी वहाँ से आती थी, इसकी वजह से बहुत इशू होता था आई थिंक, फिर ये नया बना और उसके लिए ही टोल नाका आगे गया। जय मां नर्मदे नर्मदे हर। चुका है वडोदरा, स्टील 66। व्हाट इज दहेज, दहेज एरिया भी है और रोज 5 किलोमीटर अंदर, अपने को जाता है सीधा
चलो मिलते हैं शायद से अब मोस्टली एट वडोदरा। एक और ब्रेक, बट ये टी ब्रेक नहीं, कौन सा ब्रेक है? आइसक्रीम ब्रेक। आके लाल हो गई है, तेरी भी लाल हो गई। वडोदरा इज नियर बाय 40 किलोमीटर आई थी, 40-50 किलोमीटर है, फिर देखते आगे का सीन क्या रहेगा। कौन सा वडोदरा भरूच टोलवे लिमिटेड, ऑलमोस्ट वडोदरा आने की तैयार कर रहे हैं। अच्छा टोल बनाया, वडोदरा पहुंच चुके हैं। पहुंच गए 4:17, गाड़ी चल चुकी है 402। अभी अंधेरा होने में लगभग 2 घंटा और है, और अगर मेरा कोई प्लान है कि 239 किलोमीटर और चलाना है तो होप अगर कवर हो गया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जहाँ पर भी अगर नहीं जमा, जहाँ पर भी कंफर्टेबल नहीं हुआ वहाँ पे अपन होटल बुक कर लेंगे, इधर सो जाएंगे। आप बने रहिए, अपडेट कर देंगे आपको भी, आपको पता चल ही जाएगा इसी वीडियो में। एक तो ट्रक के पीछे डायलॉग एक से एक पड़े और उनका हॉर्न एक से एक बजे, वो एक मजा। इधर चलो चलो गाड़ी फुल लगे से भरी है, ओ माय गॉड। फाटक लगे, ट्रेन आया, छुक 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 छुक। दोस्तों हुआ यूँ कि जैसे हम लोग वडोदरा पहुंच चुके थे, और वडोदरा से वडोदरा और आनंद के बीच में एक राइट टर्न गूगल मैप ने बताया जो जा रहा था डाकोर मोडासा से होते हुए हिम्मतनगर, हिम्मतनगर से होते हुए इडर। हम लोग वहां पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग वडोदरा पहुँचते पहुँचते एक इवनिंग हो चुकी थी, और उसके बाद भी हमको कुछ 160 किलोमीटर के आसपास और एक चलाने का था, और हम लोग इसकी वजह से थोड़ा अंधेरा होने से पहले जितना चला सकते थे उतना स्पीड कवर करना चाहते थे। सो जैसे हमने वो राइट टर्न लिया उसके आगे हमने शूट नहीं किया, हम लोग ने वीडियो नहीं बनाया, और बहुत थक चुके थे क्योंकि ये मेरी लाइफ की फर्स्ट लॉन्गेस्ट राइड थी इन अ सिंगल डे। इसके पहले मैंने 300 किलोमीटर की है, बट ये जो राइड थी, जो आज की जो राइड थी वो 585 किलोमीटर की थी, और तकरीबन हम 9-9:30 बजे हिम्मतनगर पहुँचे। उसके आगे इधर 50 किलोमीटर और था, 50-60 किलोमीटर, बट जाने की हिम्मत नहीं थी। हिम्मतनगर अच्छी सिटी थी तो हमने वहाँ पर एक रूम बुक कर लिया कि हमको जस्ट सोने का था, और आगे का क्या प्लान रहेगा वो आपको आगे वीडियो में ज़रूर पता चल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर।